सर, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। माय नेम इज़ महिमा और आज हम देखेंगे एरर डिटेक्शंस के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, सविता वॉज पॉपुलर विथ हर क्लासमेट्स दैट शी ऑलवेज हैड सम और द अदर कमिंग टू हर हाउस। ठीक है, एरर डिटेक्शन में क्या होता है, एक सेंटेंस दिया रहता है और उसे उस सेंटेंस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, इस तरह के स्लैश देखे जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, एरर डिटेक्शन के मैंने बहुत सारे वीडियोस दिए हैं और मैं हर वीडियोस में 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर बताती हूँ। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, उनको काफ़ी बेनिफिशियल होगा सारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं। सविता वॉज पॉपुलर विथ हर क्लासमेट्स दैट शी ऑलवेज हैड सम और द अदर कमिंग टू हर हाउस। इस सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में एरर है। अब क्यों एरर है मैं बताती हूँ। जब भी डैट वर्ड होगा तो उसके पहले, डैट के पहले सो होना चाहिए, यानी डैट इज ऑलवेज प्रिसीडेड बाय सो। तो इस सेंटेंस में हमारा डैट यहाँ पे है तो इसके पहले सो आना चाहिए, नहीं है। तो अगर हमें इस सेंटेंस को करेक्ट करना हुआ तो हम इस तरह से लिखेंगे, सविता वॉज, यहाँ पे सो पॉपुलर लिखेंगे, सविता वॉज सो पॉपुलर विथ हर क्लासमेट्स डैट शी ऑलवेज हैड सम और द अदर कमिंग टू हर हाउस। अगर यहाँ वॉज के बाद सो यूज़ किया जाए तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो एरर हमारा इस पार्ट में है। अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, यवानिका इज वन ऑफ द लेटेस्ट एडिशन टू गुड ड्रामास विच अपियर्ड इन रीसेंट टाइम्स। इस सेंटेंस में हमें देखना है एरर किधर है। फर्स्ट पार्ट सेंटेंस का बिल्कुल सही है, सेकेंड भी बिल्कुल सही है। एरर है हमारा थर्ड पार्ट में, यानी इस पार्ट में। यहाँ पे एडिशन की जगह एडिशंस होना चाहिए, एडिशन की जगह यहाँ पे होना चाहिए एडिशंस, तब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्यों हो गया एडिशंस, देखिए यहाँ पे लिखा है यवानिका इज वन ऑफ द लेटेस्ट, वन ऑफ द यानी बहुत सारे लेटेस्ट एडिशन है, उन सब एडिशन में से यवानिका कोई एक लेटेस्ट एडिशन है ये कहा जा रहा है। तो जब भी वन ऑफ लिखा रहेगा, ठीक है, तो इट विल ऑलवेज टेक अ प्लूरल नाउन। जब भी सेंटेंस में आप मान लीजिए ऐसा देखते हैं, जब कहा जाए क्या कि आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट वन ऑफ देम इज़ वेरी, मतलब वन ऑफ का जब बात किया जाएगा बहुत लोगों में से या बहुत सारी चीज़ों में से, तो ये वन ऑफ हमेशा एक प्लूरल नाउन लेता है। ठीक है, तो अगर हम बोल रहे प्लूरल नाउन लेता है आफ्टर इट, तो यहाँ एडिशन की जगह एडिशंस आना चाहिए। चलिए इसका मैं एक और एग्जांपल देती हूँ जिससे ये क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। अगर मैं सेंटेंस लिखती हूँ, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेज इन माई लाइफ, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेज इन माई लाइफ। ठीक है, तो इस सेंटेंस में कहाँ लिखा है हमारा, यहाँ वन ऑफ, तो ये प्लूरल नाउन लेगा। तो यहाँ पे वन ऑफ प्लूरल नाउन क्या लेगा, यहाँ पे डेज लिखा है मैंने। अगर इस सेंटेंस में मैंने सिर्फ डे लिखती तो फिर ये रॉन्ग हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमने जो नाउन है मेरा डे, उसको हमने प्लूरल फॉर्म में लिखा है, प्लूरल नाउन। ठीक है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। तो वन ऑफ हमेशा प्लूरल नाउन लेता है, ये याद रखिएगा। अब देखेंगे हम तीसरा सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस है, वेट हियर अंटिल, सेकेंड पार्ट है, आई डू नॉट रिटर्न। ठीक है, इस सेंटेंस में हमें देखना है एरर कहाँ है। हालांकि ये काफ़ी छोटा सेंटेंस है, दो ही पार्ट में डिवाइडेड है, तो हमारा एरर है इस पार्ट में। यहाँ पे नॉट का यूज़ इररेलीवेंट है।
अगर हम इस सेंटेंस में नॉट को एलिमिनेट कर दें तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्यों नॉट इनकरेक्ट है या इसका यूज़ इररिलेवेंट है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, अंटिल जो वर्ड है वो हमेशा एक टाइम को डिनोट करता है। अगर मैं कहती हूँ अंटिल, किसी सेंटेंस में अगर अंटिल वर्ड का यूज़ हो रहा है तो वो कोई पॉइंट ऑफ टाइम को हम डिनोट कर रहे हैं, चाहे वो डेज में हो, मंथ में हो, या कोई टाइम मेंशन हो, अंटिल 6 o'clock या अंटिल मंडे, इस तरह से होता है ना। तो पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए ना अंटिल यूज़ होता है। तो अंटिल कभी भी नेगेटिव नेगेटिव वर्ड नॉट कभी भी अंटिल को फॉलो नहीं करेगा, यानी अंटिल के साथ नॉट का यूज़ कभी नहीं होगा, क्योंकि अंटिल टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है और इट हैज़ अ नेगेटिव सेंस। ठीक है, तो अंटिल क्या है? टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है, सबसे पहली बात। ठीक है, और ये एक नेगेटिव सेंस को भी डिनोट कर रहा है। तो इसके बाद नॉट, जो अपने आप में एक नेगेटिव, अगर हम कह रहे हैं नॉट तो हम किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। तो अंटिल का मत नेगेटिव सेंस शो कर रहा है, तो उसके बाद नॉट का लिखना रिक्वायर्ड नहीं है। तो जब भी अंटिल आपने लिखा है या सेंटेंस में यूज़ किया है, तो नॉट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू राइट आफ्टर इट और बिफोर इट। ठीक है, ये हो गई थर्ड सेंटेंस की बात। अब देखेंगे फोर्थ सेंटेंस। ही ऑब्टेन गुड मार्क्स नॉट ओनली इन इंग्लिश एसे बट ऑल्सो इन अर्थमेटिक विच वॉज फुल ऑफ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस। ठीक है, इस सेंटेंस में हमारा एरर है द वेरी फर्स्ट पार्ट। इस सेंटेंस में हमारा एरर है, यहाँ पे लिखा है ही ऑब्टेन गुड मार्क्स, इसकी जगह हमारा होना चाहिए था ही हैड ऑब्टेन गुड मार्क्स। यहाँ पे होना चाहिए था ही हैड ऑब्टेन गुड मार्क्स, तब ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट होता। तो अब देखेंगे ये क्यों रॉन्ग है। मैं आपको बता दूं, जब भी कोई एक्शंस हो, दो एक्शन हो, कोई भी आप काम कर रहे हैं जो आपने पास्ट में किया है, ठीक है, और वो एक्शन एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, तो वो दोनों एक्शन को फॉलो या मेंशन करने का या लिखने का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, प्लस फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। यानी मान लीजिए आप कोई भी दो एक्शन पास्ट में परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और वो दोनों एक्शन एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, तो एक एक्शन जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा और जो दूसरा एक्शन होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में होगा। ठीक है, मैं टेंसेस के बारे में बताऊंगी अपने वीडियोस में, तो ये पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के बारे में डिटेल में बताऊंगी। अभी मैं बस एक आइडिया दे देती हूँ कि क्या है। जब भी मैं पास्ट परफेक्ट की बात कर रही हूँ तो जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से होता है हमारा पास्ट परफेक्ट का, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। और अगर मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ तो हम इसके साथ लिखते हैं वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मार्क्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो दो एक्शन हो रहा है कि उसने मार्क्स ऑब्टेन किया नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो इन अर्थमेटिक, ठीक है, तो ये दो एक्शन की बात हो रही है और ये दोनों पास्ट में हुआ है, तो और ये एक दूसरे पे डिपेंड हो रहा है ये दोनों एक्शन, तो उसका फॉर्म क्या होना चाहिए था, पास्ट परफेक्ट प्लस फ्यूचर परफेक्ट। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे हैड होना चाहिए जो कि नहीं है, तो इस वजह से हमारा फर्स्ट पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है इट इज़ रेनिंग वेरी हैवीली सिंस लास्ट नाइट। अब इस सेंटेंस के भी फर्स्ट पार्ट में हमारा एरर है, यहाँ पे इट इज़ रेनिंग लिखा है, इसकी जगह होना चाहिए था इट हैज़ बीन रेनिंग। क्या होना चाहिए था? इट हैज़ बीन रेनिंग, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ की बात करें और वो चीज़ कंटिन्यूटी में रहे,
ठीक है, कोई भी एक्शन जो कंटिन्यूटी में हो रही है, यानी कंटिन्यू हो रही है, कहाँ से, मतलब वो पास से स्टिल प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में भी लिखा है, इट इज़ रेनिंग वेरी हेवली सिंस, यानी सिंस लास्ट नाइट, यानी कल रात से बारिश हो रही है। तो इसमें एक कंटिन्यूटी बताई जा रही है कि जो बारिश हो रही है वो रात से हो रही है, ठीक है, रात से हो रही है, यानी अभी तक हो रही है। एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, कहाँ से, पास्ट से कोई एक्शन हो रहा है, वो प्रेजेंट में अभी तक हो रहा है, तो एक लिंक बना हुआ है। तो इस केस में हमेशा हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं, हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ होता है इस केस में, जब कोई एक्शन पास्ट में हो और वो कंटिन्यू हो रही है, तो हम ये टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे हैज़ बीन होना चाहिए था, जो कि नहीं था, तो हमारा फर्स्ट पार्ट में एरर है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए 5 डिफरेंट एरर्स, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एरर्स बताऊंगी जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिले। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।